हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और कमाल की वीडियो में, जहां पर आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ऑटोमेटिक ड्राइविंग के बारे में, सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में। अगर मैं आपसे इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल के बारे में बात करूं, आपके दिमाग में क्या आता है? मेरे दिमाग में तो सबसे पहले नाम आता है टेस्ला का। लेकिन क्या आपको पता है इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनकी आपको सेल्फ ड्राइविंग कार्स देखने को मिलती हैं आज के टाइम में। जैसे फॉर एग्जांपल निसान, BMW, मर्सिडीज, वोल्वो, टोयोटा, दुनिया भर की ऐसी कंपनीज हैं जिसकी सेल्फ ड्राइविंग कार्स आपको देखने को मिलती है। लेकिन क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आपका जेरेक्स का एग्जांपल अगर मैं बार बार लेता हूँ, लोग कहते हैं कि मुझे इसकी एक कॉपी जेरेक्स ले आओ या फिर इसका एक जेरोक्स निकाल के दे दो। तो जेरोक्स फोटोकॉपी करना नहीं है, जेरोक्स एक कंपनी है जो कि फोटोकॉपी करने वाली मशीन बनाती है। बिल्कुल इसी तरह की कुछ ब्रांडिंग हमारे दिमाग में हो रखी है टेस्ला को लेकर। टेस्ला मतलब सेल्फ ड्राइविंग कार, अपने आप ही दिमाग में टेस्ला आता है। तो आज हम टेस्ला का ही एग्जांपल लेकर बताएंगे कि सेल्फ ड्राइविंग कार आखिर काम कैसे करती है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप ये क्लिप को देखो। इस क्लिप में आप देखो कि कैमरे से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको एक सिस्टम किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है, किस तरीके से चीजों को आइडेंटिफाई कर रहा है, किस तरीके से उसको ट्रैक कर रहा है। तो यहाँ पर आपको ये चीज देख के समझ में आ रहा कि ये चीज कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब ये कॉम्प्लिकेशन अचीव करने के लिए हमें ऑब्वियसली हार्डवेयर की भी जरूरत है। तो चलिए देखते हैं कि टेस्ला के अंदर आखिर क्या हार्डवेयर्स लगे हैं जो कि इस चीज को पॉसिबल कर पाते हैं। यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट आपसे कैमरे की बात करूं, क्योंकि ऑब्वियसली हमें कुछ भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, विजुअल इन्फॉर्मेशन चाहिए। हमारा क्या है, हमारे पास आंखें हैं, उसके कार्स के पास तो आंखें नहीं है, तो उसको आंखें देनी पड़ती है। यहाँ पर हम उसको 8 कैमरास देते हैं टेस्ला के अंदर, जहां पर 3 उसके डैशबोर्ड के ऊपर लगे होंगे, जो कि एक बिल्कुल फ्रंट फेसिंग होगा, 2 अलग अलग एंगल्स पर अलग अलग एरिया को कैप्चर कर रहे होंगे। यहाँ पर 2 कैमरा आपको लेफ्ट साइड में और 2 कैमरा राइट साइड में देखने को मिलेंगे, जहां पर आगे का जो 2 कैमरा है एक साइड का, वो मतलब आधे से इस वाले एरिया को कवर करेगा, पीछे वाला जो कैमरा है दोनों वो पीछे वाले एरिया को कवर करेंगे, और लास्ट में बचा हुआ जो एक कैमरा है 4-3-7, एक बचा हुआ कैमरा बिल्कुल पीछे लगा होगा जो कि पीछे के पूरे एरिया को देखेगा। तो इन सारे 8 कैमरास की मदद से जो हमारी सेल्फ ड्राइविंग कार्स है उसमें आपको पूरा 360 डिग्री का व्यू मिल जाता है, पूरी विजुअल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आसपास आखिर चल क्या रहा है। लेकिन ऑब्वियसली अगर हम बात कर रहे हैं सिस्टम की, हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर्स की, तो विजुअल रिकॉग्निशन में हम इतने एडवांस नहीं पहुंचे हैं कि हम जहां पर कैमरा के ऊपर हम डायरेक्ट रिलाई नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक विजुअल इन्फॉर्मेशन के लिए लगाए जाते हैं कैमराज। इसके बाद जो इसका वन ऑफ द मेन सेंसर्स है वो होता है टेस्ला के अंदर रडार सिस्टम। रडार जो आपका रेडियो वेव्स पर काम करता है, इसमें क्या है, रेडियो वेव्स आपकी गाड़ी निकालती है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस आती है। तो इसमें जितना टाइम लगा उस हिसाब से वो विजुअल इन्फॉर्मेशन उसको आ गई कि हाँ सामने कुछ है, उसको दिख रहा है कैमरे में। अब उसने रेडियो वेव भेज के वहां से जब वापस आई तो उसकी टाइमिंग भी वो कर ली कि हाँ कितने टाइम में वो वापस आ रही है। तो जब इन दोनों इन्फॉर्मेशन को जोड़ा जाता है तब जाकर हमें और भी ज्यादा एक्यूरेट और भी ज्यादा प्रिसाइज पोजिशनिंग मिलती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, इन फ्रंट ऑफ द कार, फ्रंट या फिर कहीं भी कार के आसपास हो तो। और ये जो रडार सिस्टम है इसकी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए यहाँ इसकी जो रेंज है वो करीब 160 मीटर तक की है। अभी टेस्ला जो है वो इसको दुगनी करने की बात कर रहा है, लेकिन अभी तक 160 मीटर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है कैमरा भी देखता है उसको, और रडार सिस्टम है वो भी उसको पहचान लेता है कि हाँ किस तरह का ऑब्जेक्ट है, कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है और कितनी दूरी पर है, ताकि वो ब्रेक अप्लाई कर सके या फिर इधर उधर उसको मूव करना हो तो उसको टैगल करके आगे या पीछे जा सके। अब यहाँ पर रडार सिस्टम ऑब्वियसली थोड़ा सा पुराना है, मतलब अगर मैं बात करूं नई टेक्नोलॉजी की, अगर मैं बात करूं नई सेल्फ ड्राइविंग कार्स की, जैसे आपकी BMW हो गई और मर्सिडीज हो गई, ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं, ये लोग अभी लाइडार सिस्टम पर काम कर रहे हैं। लाइडार मतलब जो रेडियो वेव्स की जगह लाइट वेव्स को भेजेगा। नासा अपने रॉकेट्स में यूज करता है लाइडर सिस्टम का। आपका जो कैमरा है आईफोन ने अपने यहाँ पर डेप्थ के लिए, मतलब इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इसमें यूज कर रखा है। हालांकि ये तो बहुत ही वो है, मतलब बिल्कुल बेसिक यूज वाले, नासा जो यूज करता है वो बहुत ही ज्यादा एडवांस वाले हैं। तो यहाँ पर कंपनीज क्या हैं, वो लाइडर सिस्टम को आगे जाकर यूज करने वाली हैं। लेकिन यहाँ पर इलॉन मस्क का कहना है कि भैया लाइडर पर आप भरोसा नहीं कर सकते। उन्होंने यहाँ तक ये भी कह दिया है कि अगर मुझे लाइडर फ्री में भी मिल गया ना, तब भी मैं अपने टेस्ला में लाइडर सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये भरोसे के लायक नहीं है। डस्टी, रेनी, ऐसी सिचुएशंस में हम लाइडर पर भरोसा नहीं कर सकते। उनका मानना है कि लाइडर सेंसर्स फालतू के एक्सपेंसिव होते हैं
और एक्चुअल में जब हम उसका यूज करेंगे ना तो वो उस तरीके से इंप्लीमेंट हो नहीं पाएंगे जो हमें सेल्फ ड्राइविंग कार्स के अंदर चाहिए। बाकी एप्लीकेशंस में उसका यूज है, लेकिन सेल्फ ड्राइविंग कार में इलॉन के हिसाब से आप लाइडर सिस्टम में बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते और फुल्ली उसके ऊपर रिलायबल नहीं हो सकते, ऐसा कहना है इलॉन मस्क का। तो वेल, अब आप वापस आते हैं अपनी गाड़ी पर। तो यहाँ पर आपको 8 कैमराज मिल गए, आपको 2 बड़े बड़े रडार सिस्टम मिल गए, यहाँ पर साथ ही साथ लगे होते हैं 12 सेंसर्स, प्रिसाइज सेंसर इसको हम कह सकते हैं, जो कि 8 मीटर तक की रेंज में किसी भी मूवमेंट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ही प्रिसाइजली डिफाइन कर सकते हैं। ये 12 सेंसर्स 6 आगे और 6 पीछे लगे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली गाड़ी ऐसे ऐसे तो चलेगी नहीं, ऐसे और ऐसे ही चलेगी। तो यहाँ पर 8 मीटर के अंदर कोई भी, जैसे मान लो कहीं चलते चलते में अचानक से कोई कुत्ता सामने आ गया, या फिर अचानक से कोई बहुत ही बड़ा गड्ढा है आपने उसको ध्यान से देखा नहीं, या फिर कुछ ऊपर को निकला हुआ है वो आपने ध्यान से देखा नहीं, तो इस टाइप की चीजों को, इस टाइप की जब गाड़ी बहुत ही स्लो चल रही हो वहां पर इस चीज को देखने में और ब्रेकिंग लगाने में, इन सारी चीजों में आपका जो ये सेंसर 12 के 12, ये बहुत ही ज्यादा एक्यूरेटली पोजीशनिंग करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, और ये काम करते हैं अल्ट्रासाउंड पर, इसी वजह से इसकी एक्यूरेसी को आप बिल्कुल भी नकार नहीं सकते। एक तरह से आप इसको एक ककून समझ सकते हो, जैसे एक शील्ड समझ सकते हो टेस्ला की, जिसके अंदर आपकी गाड़ी को प्रोटेक्ट करने के लिए सेफ्टी फीचर्स लगे हुए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अगले इंपॉर्टेंट फैक्टर की सेल्फ ड्राइविंग में, तो वो आ जाता है GPS। ऑब्वियसली हमारे पास जो हमारे फोन्स के अंदर GPS हैं, वो आपने देखा होगा कि ओला हो गया, उबर हो गया, जितनी भी दुनिया भर की चीजें हैं, जितनी भी दुनिया भर की ऐसी सर्विसेज हैं, वो लोग GPS पे ही रिलायबल हैं। लेकिन जो आपका सेल्फ ड्राइविंग कार्स है ना, उसके अंदर जो GPS चाहिए वो नेक्स्ट लेवल का चाहिए। इसी वजह से जितनी भी सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं उसके अंदर आपको बहुत ही लो लेटेंसी वाला अल्ट्रा हाई सेंसर वाले GPS देखने को मिलते हैं, जो कि मतलब सेकंड्स के हिसाब से आपकी लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं अपने इंडिया की बात करूँ तो भैया, हम किसी रोड पर जा रहे होंगे ना और मोड़ आने वाला होगा, तो मोड़ के जब तक बिल्कुल पास नहीं पहुंच जाते तब तक तीर मोड़ के पास पहुंचा नहीं होता, और एकदम से अचानक से दिखाता है कि हाँ भैया यहाँ से लेफ्ट मोड़ना है, यहाँ से राइट मोड़ना है। तो यहाँ पर ये जो लोकेशन सर्विस है जो हम यूज करते हैं, वो तो बहुत ही ज्यादा मतलब उसका जो पिंग है एक तरह से आप समझ सकते हो ज्यादा होता है, लेकिन सेल्फ ड्राइविंग कार्स में हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, और यहाँ पर एक्यूरेटली मतलब 150 मीटर तक के डिस्टेंस को भी बहुत ही एक्यूरेटली मेजर किया जाता है, और तब जाकर ऐसे GPS सिस्टम को इन गाड़ियों के अंदर लगाया जाता है। तो टेस्ला के अंदर भी बहुत ही खतरनाक वाला GPS सिस्टम लगा हुआ है। इन सारी चीजों से जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली, अब वो सारी इंफॉर्मेशन इनटेक करने के लिए, अब इस इन्फॉर्मेशन को कोई चीज़ प्रोसेस तो करेगी, तो यहाँ पर आ जाती है टेस्ला का प्रोसेसर, जो कि ऑब्वियसली वर्ल्ड फेमस है। यहाँ पर ये जो प्रोसेसर है ये सैमसंग के सिलिकॉन से बनाया, मतलब इसे सैमसंग ने बनाया है, और यहाँ पर ये है इसका जो सरफेस एरिया है वो है 260 mm² का। अगर मैं मोबाइल प्रोसेसर की बात करूँ तो वो 88 square mm का है, और उसमें करीब 11.6 billion ट्रांजिस्टर है। हालांकि जो टेस्ला का वो प्रोसेसर है उसमें आपको 6 billion ट्रांजिस्टर ही देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर एक ट्रांजिस्टर का साइज बहुत ज्यादा है। मोबाइल के अंदर हमें ट्रांजिस्टर के साइज को कम करना है क्योंकि वहां पर हमें चाहिए एफिशिएंसी, लेकिन यहाँ पर प्रोसेसर के अंदर हमें किसी भी तरह की एफिशिएंसी की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी वजह से यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर का, एक ट्रांजिस्टर का साइज है वो ज्यादा बड़ा है, इसी वजह से ओवरऑल प्रोसेसर का साइज काफी ज्यादा बड़ा है, और इसी वजह से ये जो प्रोसेसर है ये करीब 26 trillion ऑपरेशंस 1 second के अंदर कर सकता है। 26 trillion, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितना ऑपरेशन होता है ये। अब चलो, हमारे पास हार्डवेयर आ गया, हमारे पास प्रोसेसर आ गया, ये दोनों चीज जब आपस में कंबाइन होंगी, वो प्रोसेस करेगा प्रोसेसर, इसके बाद भी वो करेगा कैसे, किस ऑर्डर में करेगा, किसको पहले प्रायोरिटाइज करेगा, किसको बाद में करेगा, या फिर क्या चीज ऐसी है जिसको करना जरूरी नहीं है, किस टाइम पर क्या चीज करनी जरूरी है, ये सारा काम होता है आपके एल्गोरिदम का, आपके सॉफ्टवेयर का। तो यहाँ पर टेस्ला का जो सेल्फ ड्राइविंग एल्गोरिदम है वो भी काफी खतरनाक है। तो हार्डवेयर, प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर, और ये सारी चीजें मिलकर आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार को कंप्लीट बना देती हैं। अब अगर हम बात करें कुछ कॉमन टर्म्स की जो कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स या फिर ऑटोनोमस कार्स जो हैं इनके उसमें आती है, तो यहाँ पर ये चीज कैटेगराइज करी गई है Level 1 से लेकर Level 5 तक। Level 1 में आपको क्या है, मतलब आप गाड़ी चला रहे हो, आपकी कार अपने आप इधर उधर कर सकती है, लेकिन आपका जो हाथ है वो कंटिन्यूसली स्टेयरिंग व्हील पर होना चाहिए, ताकि अगर कोई भी गड़बड़ होती है, किसी भी तरह की कोई भी चूक होती है AI से या फिर सॉफ्टवेयर से या फिर प्रोसेसर से या फिर गाड़ी के कैमरा में कोई दिक्कत आती है, किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत आती है, तो यहाँ पर आप उसको कंट्रोल कर सकते। तो यहाँ पर मोस्टली जो अभी गाड़ी जो सस्ती वाली है, जो अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है या फिर जो बिल्कुल लोअर मॉडल्स हैं, वो आपको देखने को मिलती है Level 1 में। अगर मैं बात करूं Level 2 की, टेस्ला की जो टॉप मॉडल्स हैं या फिर जो BMW, मर्सिडीज हो गई, जो बड़ी बड़ी टॉप मॉडल की गाड़ियां हैं,
वो इस वक्त चल रही हैं लेवल टू पर। लेवल टू का मतलब क्या है कि गाड़ी खुद को पार्क कर सकती है, आपको उसके अंदर बैठने की जरूरत नहीं, वो अपने आप पार्क कर देगी। दूसरा, अगर आप हाईवेज पे चल रहे हो या फिर स्पेसिफिक रीजन में चल रहे हो जहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, या फिर जो टेस्ला ने या फिर गवर्नमेंट ने आपकी वो कर रखा है कि हाँ यहाँ पर आप सेल्फ ड्राइविंग कार्स का इस्तेमाल कर सकते हो, तो ऐसी जगहों पर आप बिल्कुल अपना हाथ मतलब ऐसे कर लो, अपना मोबाइल वोबाइल चलाओ और आपकी गाड़ी चलती रहेगी। आपने बहुत सारी वीडियोज देखी होंगी जहाँ पर हाईवे के अंदर टेस्ला बहुत ही तेजी से दौड़ रही है, तो वो बिल्कुल टॉप मॉडल होता है टेस्ला का और वो लेवल टू वर्जन है। अगर मैं बात करूँ लेवल थ्री की, मतलब जितनी भी अभी तक गाड़ियां हैं वो सारी लेवल टू पर ही चल रही हैं, अभी तक हम लेवल थ्री पर भी नहीं पहुंचे। अगर मैं बात करूं लेवल फाइव की ना, तो वहां पर वो हो जाएगा कि भैया आप अपने गाड़ी में ये करके चिल बैठे रहो और आपकी जो गाड़ी है अपने आप चलेगी, अपने आप उसको जहां जाना होगा, बीच में कुछ गाड़ी कुछ भी आ जाता है, कुत्ता बिल्ली भैंस, वो अपने आप ब्रेक लगा देगा, सारी चीजें अपने आप होंगी। लेकिन वो लेवल फाइव की बात है जिसमें अभी पहुंचना बहुत दूर है, मतलब वो दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स अभी फुल्ली रिलायबल नहीं है, अभी फुल्ली रेडी नहीं है। हमने बहुत सारे एक्सीडेंट्स देखे हैं, एप्पल का एक एम्प्लॉय भी था जो कि ऐसे ही अपने फोन में लगा हुआ था और गाड़ी चल रही थी, वो जाके किसी उसमें डिवाइडर में टकरा गया और बेचारे की मौत हो गई। तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी हमने देखे हैं, बहुत सारी हमने ऐसी वीडियोस भी देखी हैं जहां पर अचानक से टेस्ला ने उसकी जान बचा ली, मतलब वो चला रहा था गलत चला, अपने आप सेल्फ ड्राइविंग कार ने अपने आप मोड़ दिया उसको, तो ये भी हमने कई बार देखा है। और सेल्फ ड्राइविंग अपने आप जाती हुई तो हमने देखी है। तो अभी अगर मैं ओवरऑल इसको सम अप करूं तो अभी सेल्फ ड्राइविंग कार्स पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुई है, अभी हम इस पर रिलायबल नहीं हो सकते, आने वाले कम से कम 5 से 6 सालों तक तो बिल्कुल भी नहीं। 6 साल के बाद मे बी हम लेवल 3 पर आए, या फिर हमें जो नॉन टॉप मॉडल है, जो बेसिक मॉडल है, उसके अंदर भी लेवल 2 की सेल्फ ड्राइविंग देखने को मिल जाए। और रही बात लेवल 5 की, तो उसके लिए तो हमें काफी ज्यादा वेट करना पड़ेगा। तो बस मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, अगर इस चैनल से कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम इसी तरह की ज्ञान भरी बातें आपसे करते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।